Hello everyone, welcome back to my channel. This is new tutorial video of pure charcoal, gritty charcoal है ये. Sorry, आपकी गलती हुई थी. तो मैं अभी इसकी shapes बनाने जा रही हूँ. तो ये texture पूरा ही बड़ा था मेरा, बिल्कुल dry था. तो मैंने सोचा क्यों ना इसका tutorial ही record कर लूँ. Request भी आ रही थी all through. अच्छी बात ये है कि ज़्यादा डस्टी नहीं है, हल्का सा तो गिला है क्योंकि जो फोग पड़ती है ना उस वजह से. इसकी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो, फ्लोर क्रमलिंग की थी मैंने इसकी चारकोल ऐड करके. अब मैं इसमें ऐड करी हूँ पानी. इसमें चारकोल है, ग्रिटीनेस है और प्योर सैंड है और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा. तो हम पानी का हमें कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगाना क्योंकि ना तो ये मड है ना तो ये सीमेंट है. ठीक है, पानी आप अपने टेक्सचर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो. ये थोड़ा सा फैल गया है, इस पर हम टेक्सचर ऐड कर देंगे. एक ट्रिक है कि मैं पहले टेक्सचर की पोरिंग कर देती हूँ और फिर ना उसको बाहर निकाल देती हूँ, इससे मिक्सिंग आसानी से हो जाती है, टेक्सचर की मिक्सिंग आसानी से हो जाती है. ठंड में इतना ठंडा पानी है ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ. बट स्टिल मैं वीडियो रिकॉर्ड ना करके ट्यूटोरियल दे रही हूँ. पहले हम एक बार मिक्सिंग कर लेना, उसके बाद अगर जो हमें पानी कम लगे तो मैं हम और डाल सकते हैं. और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ऊपर ऊपर का टेक्सचर मिक्स करा, फिर शेप बना ली, फिर जो नीचे का टेक्सचर यूज़ करा, फिर उसमें पानी और ऐड करके फिर उसकी शेप बनाई. पर मैं ऐसा नहीं करती, मैं एक बार में ही सारा टेक्सचर में पानी मिक्स कर लेती हूँ ताकि बार बार ना करना पड़े, और फिर मज़े से शेप्स बना लेती हूँ. नीचे ना सूखा टेक्सचर आ जाता है तो हाथों से ही निकालना पड़ता है, चिपक जाता है ऊपर से. इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस. ज़्यादा हमें अगर जो पानी ज़्यादा हो जाए तो भी हमें कोई चिंता की बात नहीं है, और कम रखें तो वो अच्छा है कि क्रशिंग में काम आएगा टेक्सचर. तो यहाँ से तो सारा मिक्स हो चुका है. अब मैं एक बार और दूसरी साइड से आ जाती हूँ देखने की कितना मिक्स हुआ है ना. तो ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो मैं क्या करती हूँ, हाफ पार्टीशन कर लेती हूँ, पहले एक साइड मिक्स कर लेती हूँ फिर दूसरी साइड. फिर मुझे पत्ती ढूंढनी है कि पत्ती कहाँ रखी है. ओह, साइड में ही है. और मैं जितनी भी शेप्स बनाती हूँ ना अपनी, अरे अरे क्या गिरा है, हाँ जितनी भी शेप्स बनाती हूँ जब भी शेप मेकिंग करती हूँ तो दो चीज़ें अपने पास रखती हूँ. ये मेरा डस्टिंग का कपड़ा है, इसको ऐसे ऐसे करने में बहुत अच्छे से मदद में आता है. और ये पत्ती है, जैसे मान लो टेक्सचर यहाँ चिपक गया ना, उसको ऐसे कर लो. पत्ती इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, शेप्स बनाने में मज़ा आ जाता है अगर तुम्हारे पास पत्ती हो तो. अब जैसे ना वहाँ पे बीच में ना मैंने पानी ऐड किया था वहाँ पे ऐसे, तो टेक्सचर नीचे जम चुका है, उसको हाथ से करूँगी ना, एक तो ग्रीडी टेक्सचर भी है और ठंड भी है तो हाथ पे चोट लगेगी, तो मैं पत्ती से कर लूँगी. अब
हो जाता है। साइड से टेक्सचर ना हल्का सा था, इसको ऐसे ऊपर करके ना इसकी मिक्सिंग हो चुकी है एकदम प्रॉपरली। अब मैं इसकी शेप्स देखती हूँ मैं कौन सी बनाती हूँ। पहले मैं ये वाली लेके आई थी पर ये ना इस बार पानी इसमें कम है तो मैं ये वाली शेप नहीं बनाऊंगी। बन तो जाएगी पर ये उठाना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है तो मैं कोई सिलेंड्रिकल शेप लेके आती हूँ क्योंकि अब ना पानी थोड़ा कम है तो मैंने इसमें कम ही ऐड किया है। देखो है ना तो सिलेंड्रिकल शेप लेके आती हूँ ताकि उसकी क्रशिंग में मजा आए। ऐसे खेलने में बड़ा मजा आता है जब गीला टेक्सचर हो ना। चलो मैं लेके आती हूँ। ओके सो आई एम गोइंग टू मेकिंग दिस शेप। माय क्यूट सा ये मग है, इसकी क्रशिंग में बहुत मजा आता है और थोड़ा सा टूट भी गया है तो मैं चाह रही हूँ ये पूरा टूटे से अच्छा मैं इसकी दो तीन बार शेप और बना लूँ। ठीक है तो अब आप टाइम स्लैप एंजॉय करना। बाय बाय।